हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग के अंदर के जो क्लासिफिकेशन है उनके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में जानने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका एक और इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज कॉल्ड सिसप्लैटिन। ये जो सिसप्लैटिन है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है और उसका डिग्री के काम करने का तरीका क्या है वो हम आज के व्हाइट बोर्ड में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सिसप्लैटिन का जो क्लास है वह है प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनका एक स्पेसिफिक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा कंपाउंड के साथ जो कि आगे जाकर के सेल के अंदर जब पहुंचेंगे इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी और एक काफी मात्रा में हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज को जनरेट करेंगे जो कि आगे जाकर के डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्रॉस लिंकिंग बनाने का काम करेगा, जिससे हमारा जो डीएनए है, हमारा कहने का मतलब हमारे सेल के डीएनए से है, यहां पे दोनों तरह के सेल के डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है वो कैंसरस सेल के डीएनए को लेकर के है और उनके प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। सो हम कह सकते हैं कि जब ये सिसप्लैटिन को हम लेंगे तो सिसप्लैटिन आगे जाकर के सेल में एंटर करेगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा डिफरेंट तरीके के एंजाइम जो हमारे सेल में प्रेजेंट है उनके मदद से, और ये इंट्रासेलुलरली टू प्रोड्यूस करने लगेंगे ऐसे हाईली रिएक्टिव मॉइटी को जो कि आगे जाकर के क्रॉस लिंकिंग कॉज करेंगे डीएनए के साथ। क्रॉस लिंकिंग कैसे करते हैं ये आपने अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर देखा है, तो ये उस ग्रुप के तो नहीं है लेकिन इनके जो काम करने का तरीका है वो काफी कुछ इसी अल्काइलेटिंग एजेंट से रिसेंबल करता हुआ है। आगे देखिए, द फेवर्ड साइट इज N7 ऑफ गुआनिन रेसिड्यू। हमने कल भी बात किया था कि ये जो क्रॉस लिंकिंग होगा, ये जो आपका डीएनए का सीजेशन होगा वो स्पेसिफिक साइट पे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जनरल है, यहाँ पे कुछ खास समझाने लायक नहीं हो कि टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है, इनको हमको अंडरस्टैंड करना ही होगा। तो जो फेवर्ड साइट है वह है N7 ऑफ गुआनिन रेसिड्यू। आगे बात करिए, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद थायो ग्रुप ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में भी देखा था अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर ही, तो ये हमारे सेल के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले थायो ग्रुप एसएच ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और उनकी एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देंगे। और कौन सी एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जो सेल के नॉर्मल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन के रिस्पॉन्सिबल था। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने कंसिडर किया था। मान लेते हैं कि ये कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का जो कि आगे जाकर के सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए मदद करता। ये सेल थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करिए स्पेसिफिक रूप से कि आपका कैंसरस सेल है, तो उस कैंसरस सेल की ग्रोथ के लिए भी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मली के लिए तो है ही है। इसके इसी कॉन्स्टिट्यूएंट की मदद से हमारा जो कैंसरस सेल है वो काफी मात्रा में ग्रोथ करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है एंटी कैंसर ड्रग को यूज करने के पीछे, या इसी को दूसरा शब्द में बोले साइटोटॉक्सिक ड्रग को यूज करने के पीछे, वो ये है कि आपके उस अनवांटेड सेल के ग्रोथ को हमको कंट्रोल करना है। तो ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए लॉजिकली क्या करना होगा, उन सारे फैक्टर को भी हमको तो इनहिबिट करना होगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस सेल के ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। तो हमारे इसी तरह के सिसप्लैटिन आपके थायो ग्रुप के साथ जो कि सेल के ग्रोथ के लिए मदद कर सकते हैं किसी किसी फॉर्म में, उनके साथ ये एक बॉन्ड बना लेंगे और उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। और ये जो आगे जाकर के फिर उनके प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हो या आपके न्यूक्लियर प्रोटीन हो, प्रोटीन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर देखा हुआ है कि वो इस प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को भी कम कर देंगे। आगे देखिए, जैसा लिखा हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, दे रिसेंबल द अल्काइलेटिंग एजेंट एंड रेडिएशन। इनके जो काम करने का तरीका है वो अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह ही है, जो अल्काइलेट करते हैं डिफरेंट टाइप के सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, साथ साथ जो हमने रेडिएशन थेरेपी देखी थी, आयोनाइजेशन थेरेपी देखी थी, उसके साथ भी ये मैच करते हैं ताकि जब हम एक स्पेसिफिक तरीके रेडिएशन के बम्बार्डिंग करें उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल पे जहां पे ट्यूमर या कैंसरस सेल ग्रो हो रहे हो, तो वो उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। तो ये इन दोनों की एक्टिविटी से रिसेंबल करता है। अल्काइलेटिंग एजेंट तो ऑलरेडी माइमेटिक की एक्टिविटी शो करेगा इस तरह की रेडियोथेरेपी के साथ साथ, तो ये इन दोनों के साथ रिसेंबल करता हुआ दिखेगा। उसके बाद सिसप्लैटिन का जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीटेड होता है अनचेंज इन यूरिन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूरिन के थ्रू ज्यादा मात्रा में एलिमिनेट होगा। इससे भी ज्यादा टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो हाफ लाइफ है, टी हाफ लाइफ है, वो 72 आवर्स है, यानी कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ वह टाइम है जिसपे आपका जिस भी ड्रग के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं वो या तो प्लाज्मा में 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन रखा हुआ हो, अभी भी प्रेजेंट हो, या तो 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रूट से बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गया हो, तो उस
टाइम को जहां पे एक्चुअल में 50% का रेशियो हो, चाहे वो हो या चाहे वो एलिमिनेट हो गया हो, उसी को हम बोलते हैं टी हाफ, यानी कि टी स्टैंड फॉर टाइम और हाफ स्टैंड फॉर आधा, जस्ट हाफ ऑफ दैट इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बाद अगला प्रोसीजर के रूप में अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, तो एक नोट लेना भी जरूरी है। तो ये जो नोट कहता है वो देखिए, अ कॉपर ट्रांसपोर्टर, अगर आप रिसर्च पेपर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, सर्च करेंगे, तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर के बारे में बात किया गया है जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। और ये जो कॉपर ट्रांसपोर्टर है वो डिफरेंट एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से सेल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये इसी सिसप्लैटिन को भी अंदर ले जाने में मदद करते हैं कुछ कारणों से। सो अ कॉपर ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है CTR1 इज इन्वॉल्व इन द एंट्री ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स इन टू द ट्यूमर सेल। सो जो हमारा ये कॉपर ट्रांसपोर्टर है वो इस तरह के प्लेटिनम सब्सटेंस को, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को ट्यूमर सेल में एंट्री कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये आगे जा करके इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंटर करके उस सेल के स्पेसिफिक पार्ट्स में पहुंचे जहां पे हमारा जो सेल है अब वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया है, अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पर जाकर के अपनी एक्टिविटी शो करे, वहां पर जाकर के अपना जो इफेक्ट है सिसप्लैटिन का, ये एक क्रॉस लिंकिंग बना ले डीएनए के साथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड सेल जिसको हम कैंसर सेल बोलते हैं, ताकि वहां पे उनकी एक्टिविटी को कम कर दे। तो यहां से लेकर के, यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचने में एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होगी, और रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये एक कॉपर ट्रांसपोर्टर है और स्पेसिफिक उसका जो नाम है वो है CTR1। इसके बाद देखिए, ये सिसप्लैटिन इज वेरी इफेक्टिव इन मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कैंसर या कार्सिनोमा। ये जो हमारा सिसप्लैटिन है, ये इसका यूज अगर पूछें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। ये मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटास्टेटिक कहने का मतलब होता है कि ऐसा फॉर्म ऑफ कैंसर जो एक पार्ट से स्टार्ट हुआ हो, धीरे धीरे प्रोग्रेशन के बाद वो दूसरे पार्ट में भी अफेक्ट करना स्टार्ट करे, वो मेटास्टेटिक कैंसर कहलाता है। सो ये टेस्टिकुलर मेटास्टेटिक कैंसर और ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए या उनकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में यूज होता है। आगे देखिए, वाइडली यूज इन, इसके अलावा भी कुछ अलग तरीके के केस जहां पर इनको मुख्य रूप से यूज करते हैं, ये है सॉलिड ट्यूमर ऑफ लंग्स, ब्लैडर, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, हेड एंड नेक। इन तरह के पार्ट में पाए जाने वाले कैंसर सेल को कंट्रोल करने में, इनकी ग्रोथ को लिमिट करने में ये यूज होता है। आगे देखिए, सिसप्लैटिन इज हाईली एमेटिक ड्रग, ये भी हमको याद करना है। और मैंने आपको पहले एक टेबल भी दिया हुआ था जिसको बाद में आप हमारे फेस ग्रुप से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं कि ड्रग के उनके एमेटिक नेचर के हिसाब से इनको तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया है, हाईली, मॉडरेट और माइल्ड के रूप में। तो ये सिसप्लैटिन है, इट इज अ हाईली एमेटिक ड्रग, यानी कि ये काफी मात्रा में एमेसिस कॉज करा सकता है, और इसको लेने के समय या इसे लेने से पहले हमको एंटी एमेटिक ड्रग को देना होगा उस पर्टिकुलर पेशेंट को, ताकि एमेसिस को या उनके वोमिटिंग के चांसेस को हम कंट्रोल कर सकें। आगे देखिए, इनकी कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होगी, जो एक साइटोटॉक्सिक ड्रग टॉक्सिसिटी शो करता है उनको भी ये फॉलो करेगा, इसके अपार्ट में कुछ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी ये शो करेगा। और ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में अगर देखें तो रीनल इंपेयरमेंट। रीनल इंपेयरमेंट मतलब आपके किडनी के फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करेगा। यहां पे दो चीजें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं, दैट इज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ये उनके काम करने का तरीका है विद रेफरेंस टू कैंसरस सेल, लेकिन अगर कि किसी दूसरे नॉर्मल सेल के ऊपर ये इफेक्ट करता है और उनके लिए कॉज प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कहलाएगा उस सेल के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल सेल के रेस्पेक्ट में। सो वन साइटोटॉक्सिक इफेक्ट इज डिजायरेबल एंड द अदर वन is undesirable, that is considered as an adverse drug reaction or toxicity of this kind of anti-cancer drug. इसमें देखिए, renal impairment cause करेगा, तो अगर हमको इसके renal impairment को थोड़ा सा control करना है, तो हमको normal saline को infuse करना पड़ेगा लगभग लगभग 1 to 2 liter के आसपास, ताकि इसकी जो unwanted effect है, ताकि इनका जो renal toxicity है, इसको हम कम कर सके। आगे देखिए, इसके साथ साथ ये tinnitus की problem भी cause कर सकता है, यानी कि आपको एक अजीब सी जो कुछ कीड़े होते हैं, जिंगूर होते हैं, उनके जैसे साउंड आना लगता है आपको, ऐसा आभास होता है, ऐसा फील होता है, इस तरह की फीलिंग को, इस तरह के परसेप्शन को ये कॉज करता है एज अ टॉक्सिसिटी। इसके साथ डिफिनेट भी कॉज कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी डीफ एंडम वाले केस में, यहाँ पे डीफ की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी तरह के इफेक्ट कॉज कर सकते हैं जो कि माइल्ड इन नेचर होंगे, जैसे आपका एलोपेसिया, एमेटिक तो आपने देखा ही देखा है, बोन मैरो सप्रेशन, इस तरह की चीजें
में लिम्फ नोड के में भी प्रॉब्लम कॉज करना, इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक करना, इन्फेक्शन का कॉज हो जाना, हीमोरोइड्स का कॉज हो जाना, ये एक कंडीशंस है ये जो आपके सिस्प्लैटिन है वो कॉज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी क्लास के यानी कि आपके प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक और ड्रग देखते हैं ताकि इस टॉपिक के अंदर दो ड्रग को कंसिडर कर सके। चलिए सेकेंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देख लेते हैं उस ड्रग के बारे में। चलिए दूसरे ड्रग के बारे में भी अब देख लेते हैं इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। हमारा जो दूसरा ड्रग है वह है कार्बोप्लेटिन। कार्बोप्लेटिन भी आपके इसी प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आएगा, उसी का एग्जांपल है। काफी कुछ इनका सेम है, केवल इनके जो अनवांटेड इफेक्ट हैं इनमें इनका फ्लक्चुएशन है। तो सबसे पहले क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरा, इट इज अ लेस रिएक्टिव सेकेंड जनरेशन प्लेटिनम कंपाउंड, ये आपको याद रखना चाहिए। इट इज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन प्लेटिनम कंपाउंड दैट इज बेटर टॉलरेटेड एंड लेस टॉक्सिक देन सिस्प्लैटिन। यानी कि अगर हम इसके ह्यूमन के नॉर्मल सेल के बारे में बात करते हैं तो ये काफी अच्छे से टॉलरेट होगा, साइड इफेक्ट कम होगा। इफेक्ट इनका जो साइटोटॉक्सिक ड्रग के रूप में है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अनवांटेड इफेक्ट इनका कम होगा और ये अच्छे से ह्यूमन के नॉर्मल सेल द्वारा टॉलरेट कर दिए जाएंगे। कार्बोप्लेटिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और अदर जो क्लिनिकल यूज है वो बिल्कुल सेम होगा आपके सिस्प्लैटिन के जैसा। ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे केवल डिक्टेट ही करना है इस पॉइंट में। इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिटी पॉसिबल हो सकता है, साथ साथ ओटोटॉक्सिटी भी पॉसिबल हो सकता है। सुनने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, न्यूरोटॉक्सिटी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन इनके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं एज कंपेयर टू सिस्प्लैटिन। आगे देखिए, नोजिया वोमिटिंग आर माइल्डर एंड डिलेड। सिस्प्लैटिन की सबसे खास बात क्या थी कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में एमेटिक कॉज कर सकता था, लेकिन इसका अच्छा इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा आपको कार्बोप्लेटिन में कि नोजिया और वोमिटिंग बहुत कम होंगे और वो देर से डोनेट होंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारा कार्बोप्लेटिन का सिस्प्लैटिन के ऊपर। उसके बाद देखिए, डोज लिमिटेड टॉक्सिटी, एक ऐसी टॉक्सिटी जिसका लेना देना डोज के अकॉर्डिंगली है। डोज को आप कंट्रोल करेंगे, मॉडरेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अनवांटेड इफेक्ट को, एडीआर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप क्या क्या पाएंगे, आप पाएंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो भी हमने पहले पार्ट में देखा हुआ था, आपके थ्रोम्बोसाइट की संख्या में कमी हो जाना। उसके बाद लेस ऑफन कम होगा, लेकिन वो होगा आपका ल्यूकोपेनिया। इसके बाद देखिए, लीवर डिसफंक्शन में अगर लीवर के फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा अल्टरेशन देखने को मिल सकता है अगर हम कार्बोप्लेटिन यूज करते हैं तो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो एक इंपॉर्टेंट तरीके से भी आप समझ सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, लेजर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये जो हमारे कार्बोप्लेटिन ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कम मात्रा में बाइंड होते हैं, इसीलिए जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। और इनका जो टी हाफ है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है, वो लगभग 2 से 4 घंटे के आसपास है, जो कि आपने पिछले सेक्शन में आप एक सिस्प्लैटिन के साथ देखा वो थोड़ा अलग था। इसके बाद जो हम बात करते हैं प्राइमरीली इंडिकेशन, ये जो हमारा कार्बोप्लेटिन है वो किस किस कंडीशंस में अच्छे तरीके से ड्रग के रूप में यूज किया जा सकता है, तो ये है ओवेरियन कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। ऑब्वियसली हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू में जो प्रॉब्लम होगी वो आपका कार्सिनोमा कहलाएगा। इसके साथ साथ दूसरे तरीके के जो प्रॉब्लम है इनमें भी ये अच्छा इफेक्ट शो करते हैं, और ये प्रॉब्लम है स्क्वैमस कार्सिनोमा ऑफ हेड एंड नेक। इसके साथ साथ स्मॉल सेल ऑफ लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये एक अच्छे ट्रीटमेंट के रूप में, प्रॉमिसिंग ड्रग के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बोप्लेटिन के बारे में। एक दो बेसिक लाइन हम एक और ड्रग के बारे में देख लेते हैं, ऑक्सालीप्लेटिन। ये जो ड्रग है इट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसकी खास बात क्या है कि ये ऐसे ड्रग के केस में भी यूज होगा जहां पे सिस्प्लैटिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। देखिए, रेजिस्टेंस डज नॉट डेवलप इजीली, इनके ऊपर रेजिस्टेंस जल्दी से डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए ये रिटेन करके रखते हैं इनका एक्टिव अगेंस्ट सिस्प्लैटिन। जो सिस्प्लैटिन के ऊपर रेजिस्टेंस हो गए हैं इनके लिए भी ये अच्छा ड्रग के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, हाईली इफेक्टिव इन, ये काफी अच्छे तरीके से इफेक्टिव शो करेंगे इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, साथ साथ इनका गैस्ट्रो इसोफेगल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छे से ये यूज हो सकते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो डोज डिपेंडेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस इनका एक अनवांटेड साइड इफेक्ट है जिनको हमको देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड, इन दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने कंबाइंड रूप से आपको बताया प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, दो इंपॉर्टेंट ड्रग सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लेटिन के बारे में, साथ ही एक हल्की फुल्की जानकारी आपका ऑक्सीप्लेटिन के बारे में। सो इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोनों का जो रेफरेंस है इसे हमने पूरी तरह से लिया
किया हुआ है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन से। दोनों का स्क्रीनशॉट आप थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, मैं यहां से हट जाऊंगा। सो एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।